नमस्कार दोस्तों, कई लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि कई बार हमारे घर में उल्लू आता है लेकिन घर में आने के बाद वो बाहर जा ही नहीं रहा, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ये भी बहुत देखने वाली बात है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। चलिए, पक्षी तंत्र में मैंने इसकी रिसर्च करी है और आप लोगों को इसका जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। देखिए, पक्षी तंत्र कहता है कि अगर उल्लू आपके घर में उड़कर आया, आकर अपनी, देखिए ये सब मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता सकी हूँ कि किस दिशा से आया है, किस दिशा में वो बैठा है, इस सब के प्रभाव हैं। लेकिन इसके साथ ये देखने वाली बात है कि अगर उल्लू आया है, आकर बैठा, बैठकर उड़ गया, ये एक छोटी सी घटना है। पक्षीतंत्र इसके मीनिंग बता रहा है कि एक छोटी सी घटना है जो घटती है, और ये घटना, घटी हुई घटना जो है, वो आप लोगों को ये बताएगी कि लक्ष्मी आने वाली है या अनिष्ट होने वाला है। अगर इसके बाद भी उल्लू आया, आकर बैठा रहा और उड़कर जा नहीं रहा, तो आप लोगों को चाहिए कि उस उल्लू को वहाँ से भगा दें, उड़ा दें, हटा दें। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ मनुष्य का निवास है वहाँ उल्लू का निवास नहीं होता, और उल्लू जहाँ निवास करते हैं वो जगह उजाड़ मानी जाती है। सो उल्लू का रुकना भी ठीक नहीं है। सो आप लोगों को, अगर किसी के मन में भी ये सवाल है, तो ऐसे में उल्लू को आप लोगों को भगा देना चाहिए। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।